भगवान से मेरी एकच प्रार्थना है। क्या? तेरे छाछ से मेरे मांग में सिंदूर भरे। मेरे बेटे की शादी किसी राजकुमारी से होगी। जी आपके पिताजी मैच फैक्ट्री के मालिक हैं। हाँ। और मेरे पिताजी गेट पर चौकीदार। शंकरलाल तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का रिश्ता एक अमीर घर में हो रहा है। तो क्या चौकीदार के लड़के के साथ शादी करके खानदान की इज्जत को चार चांद लगा देगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें भूल जाने के लिए और तुमसे शादी ना करने के लिए ये 2 लाख रुपए दिए हैं। कोई भी गरीब और गरजमंद इंसान ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। शांति, कभी नहीं जाने देगा। हमको किसी का जायदाद वायदाद नहीं मांगता। हमारा जायदाद तो ये फटपटिया है। क्यों रे फटपटिया? छोटा चना बाजे घना। मैं क्या समझती तुम्हारे बेटे ने क्यों शादी की? बैंड बाजे के साथ लगीन किया है। हाँ, वो क्या, उसका बाप भी तेरे को मेरे से अलग नहीं कर सकता। कुत्ता तभी रक्षा करता है जब उसे रोटी दी जाती है। लेकिन तू एक ऐसे भिखारी के साथ जा रही जो तुझे रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सकता। शांति, बासमती चावल 5 रुपए किलो थे, इसलिए 2 रुपए वाला लाया। बहुत अच्छा किया। बासमती चावल खाते खाते तो मेरा मन भर गया था, अब इसमें मजा आएगा। वो पछताएगी, मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगी, कहेगी मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं भी उसी घड़ी का इंतजार कर रही हूँ। देखो उसे कुछ देकर मेरे इंतजार की घड़ी को बर्बाद न करो। माँ, लेकिन एक बात याद रखो, और जो दूसरी साड़ी मैं पहनूंगी वो इन्हीं की खरीदी हुई होगी। अपने लाश पर भी मैं तुम्हारी साड़ी का कफन नहीं पड़ने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आखिर तुमने बेटी की दी हुई साड़ी पहनी ली? हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसी सस्ती साड़ी पहनी। जानते हो क्यों? जानता हूँ लक्ष्मी, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है। संसार में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं, प्यार है।